Good morning, everyone. Myself, Hima, and today we will start chapter number 3, Exponents and Radicals. First of all, let's revise the laws of exponents. Now, laws of exponents in that first is a raised to 0, means a number where the power is 0, then the value of a number it will be 1. Okay, a raised to 0 is equal to 1. कि जब भी पावर जीरो होता है तब उस नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। देन नेगेटिव एक्सपोनेंट, ए रेज टू माइनस एन। नेगेटिव एक्सपोनेंट जब होता है, एक्सपोनेंट या पावर मतलब ये नेगेटिव जब होता है तब क्या हो रहा है, उसका वैल्यू वन अपॉन ए रेज टू एन, वन अपॉन ए रेज टू एन। आफ्टर दैट ए रेज टू एन मल्टीप्लाई ए रेज टू एन, कोई भी दो नंबर्स है उसका बीच में मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स डिफरेंट है, नंबर्स आर सेम पावर्स आर डिफरेंट एंड हियर इट इज मल्टीप्लिकेशन, देन व्हाट यू विल डू, ए रेज टू एम प्लस एन, मीन्स पावर्स जो भी है उसका क्या होगा, एडिशन होगा। देन ए रेज टू एम डिवाइडेड बाय ए रेज टू एन, अब बीच में क्या हो गया, डिविजन, नंबर्स सेम पावर्स डिफरेंट, बीच में डिवीजन है तो वो हो जाएगा ए रेज टू एम माइनस एन। यहाँ पे जब भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है तब हमको पावर्स को ऐड करना है, और जब भी डिवीजन का साइन आता है तब पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, देन सेकेंड इज नेक्स्ट ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन, मीन्स यहाँ पे जो भी हमको नंबर्स दिए हैं नंबर सेम है पावर्स डिफरेंट है लेकिन बीच में डिवीजन, मतलब यहाँ पर ए रेज टू एम माइनस एन। ओके, यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, ए शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि हमको जैसे पता है कि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, सो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कंडीशन आएगा ए शुड नॉट बी जीरो। दिस बोथ आर सेम ओनली दिस आई हैव रिटन इन द डिफरेंट फॉर्म। ओके, डिवीजन की जगह पर मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन की जैसे लिखा है। नेक्स्ट है हमारा a अपॉन b रेज टू n, a अपॉन b रेज टू n मतलब पूरा नंबर जो है फ्रैक्शन वाला नंबर है, मीन्स रैशनल नंबर है, और उसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर होल पावर है, तो अब हमको क्या करना है, पावर दोनों को देना है, a रेज टू n अपॉन b रेज टू n, एंड हियर b शुड नॉट बी जीरो, मतलब याद रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, सो हियर वी शुड नॉट बी जीरो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज ए रेज टू एम रेज टू एन, मतलब पावर है उसका भी पावर है। ओके, तब क्या करेंगे हम, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, ए रेज टू एम मल्टीप्लाई एन, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए रेज टू एम इंटू एन। अदर थिंग ए बी रेज टू एन, ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स है और ब्रैकेट के बाद सिंगल पावर दिया है तो वो पावर दोनों को मिलेगा, सो ए रेज टू एन बी रेज टू एन, बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, सो पावर यहाँ पे दोनों को मिलता है। तो ये सारे रूल्स जो भी है वो एक्सपोनेंट्स के लिए है, एक्सपोनेंट्स हम जब भी यूज करते हैं एक्सपोनेंट्स में, इस तरह से कोई भी ऑपरेशन करते हैं नंबर्स में, तब हमको ये रूल्स याद रखने पड़ते हैं, इन रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है। After that, rational numbers as exponents. Now, we already know 4 square. 4 square का मतलब 4 into 4. 4 into 4 क्या होगा? 4 into 4 is equal to 16. 4 square is 16. अब 16 का मैं अगर square root निकाल रही हूँ यहाँ पे, तो 16 का square root मुझे क्या मिलेगा? 4. Okay? This is simple. We already know square root क्या होता है. ओके, स्क्वायर का मतलब है वही सेम नंबर को फिर से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट का मतलब फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आए, सो 4 स्क्वायर इज 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, लाइक दैट ओनली 4 स्क्वायर इज 16, ओके लाइक दैट ओनली 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, तो ये हमको ऑलरेडी पता है कि ये इस तरह से होता है। अब रैशनल नंबर्स जब हम करते हैं तब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है, तो उसको पावर्स में मुझे लिखना है तो मैं कैसे पावर्स में यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, पावर्स में मैं कैसे लिख सकती हूँ,
So 16 raised to the power 1 upon 2, that is 4. यहाँ पर स्क्वायर रूट जो होता है उसका पावर क्या होता है 1 अपॉन 2, हाफ पावर होता है. सेम वे यहाँ पे 9 है तो 9 रेज टू 1 अपॉन 2 दैट इज 3. ओके, मींस रैशनल नंबर में जब भी हमारा पावर होगा तब हम इस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, दैट इज नथिंग अदर देन दिस, बट द फॉर्म इज डिफरेंट. फॉर्मेशन जो है उसका वो डिफरेंट हमको दिया गया है यहाँ. लाइक दैट ओनली, सपोज 225 raised to 3 upon 2. तो उसका मतलब क्या करना है, यहाँ पे 1 upon 2 power नहीं है, 3 upon 2 power है. तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 225 raised to 3 raised to 1 upon 2. ये 3 को मैंने अंदर ले लिया, 3 power, because 3 is in the numerator. So 3 I can take inside and 1 upon 2 will be outside. Now 1 upon 2 power means square root. So this I can write like square root of 225 cube. Okay, so this is the form of this. Now whenever we are writing like this, means यहाँ पे in general क्या हो गया, a raised to m upon n is equal to in the square root means यहाँ पे हो जाएगा a raised to m का जो भी रूट दिया है वो रूट लेना है. ओके, तो यहाँ पे a raise to m जो है यहाँ पे 225 क्यूब है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडी करंट. ओके, इट इज रेडी करंट. देन द होल नंबर, होल दिस फॉर्म इज कॉल्ड रेडिकल. रेडिकल then n is called the index. Index हमको already पता है, n is called the index and the sine square root is called the radical sign. Square root की sign जो है वो क्या हो गई, radical sign. Radical sign. Now index of a radical is always a natural number. Means यहाँ पे जो भी बाहर number होता है वो ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है. नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, आइदर इट कैन बी 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट. ओके, नेचुरल नंबर्स मींस अदर देन 0, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स. सो यहाँ पे ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स को एक्सपोनेंट्स में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक्सप्रेस करने के बाद उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है रैशनल नंबर्स, और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के लॉज हमारे क्लियर हो जाने चाहिए. तो यहाँ पे अगेन मैं बताती हूँ, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, 4 square is 16 and 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा, 4. तो स्क्वायर रूट मतलब पावर क्या हो गया हमारा, हाफ पावर, 16 रेस टू 1 अपॉन 2 दैट इज 4. सेम वे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, 3 square इज 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3. सो स्क्वायर रूट मीन्स 9 रेस टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे 225 रेस टू 3 अपॉन 2 में 3 को क्या कर देना है, अंदर, और 1 अपॉन 2 पावर 12. 1 अपॉन 2 का साइन पता है हमको, रेडिकल साइन रहेगा उसका. 1 अपॉन 2 पावर का साइन हो गया रेडिकल साइन एंड यहाँ पे अंदर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, रेडिकल. रेडिकल द फूल दिस इज सेड टू बी रेडिकल. ओके, द फूल दिस वन इज सेड टू बी रेडिकल. This one a raised to m is said to be radical, n is index and this is radical sign. Okay, so this concept you have to clear with this one, this much. Now our next topic is positive rational numbers as exponents. जब भी rational numbers positive होते हैं exponents में तब क्या करना है, मीन्स यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम ले रहे थे 4 raised to 3 upon 2. ओके, 4 raised to 3 upon 2, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि 4 raised to 3 upon 2 को कैसे लिख सकते हैं, 4 raised to 3 raised to 1 upon 2. 4 raised to 3 मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 raised to 1 upon 2. Now 1 upon 2 power means the square root of that number. 64 का square root क्या होगा? 8.
तो यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जब भी होते हैं एक्सपोनेंट्स में तब हम इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सेम वे यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ 9 रेज टू 3 अपॉन 2. सो 9 रेज टू 3 रेज टू 1 अपॉन 2. नाउ 9 रेज टू 3 इज 9 9s आर 81 एंड 81 9s आर 729 रेज टू 1 अपॉन 2. और इसका स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करोगे तो वो मिलेगा 27. ओके. So in general, what we can write a raised to m upon n is equal to square root of means n power of a raised to n. Otherwise, we can write a raised to m raised to 1 upon n. This is also okay. So this is for positive rational numbers. Now let's see for negative rational numbers. Negative rational numbers जब होते हैं तब क्या होता है इसमें? यहाँ पे जब एक्सपोनेंट्स में नेगेटिव रैशनल नंबर्स, सेम एग्जांपल 4 इज टू माइनस 3 अपॉन 2. अब माइनस जब साइन आता है तब हमने आगे भी देखा था एक्सपोनेंट्स के लॉस कि माइनस साइन आता है तब वो 1 अपॉन हो जाता है, मींस 4 इज टू 3 अपॉन 2. ये माइनस को हटाना है तो ऊपर मतलब यहाँ पे हमको 1 अपॉन कर देना है. नाउ दिस ऑलरेडी वी नो 1 अपॉन 4 इज टू 3 रेज टू 1 अपॉन 2. 4 raised to 3 is 64 raised to 1 upon 2 and 64 ka square root ho jayega 8. So here answer is 1 upon 8. To yahan pe negative rational numbers ke liye yaad rakhna hai a raised to minus m upon n is equal to a raised to m raised to 1 upon n, but this will be of 1 upon. Okay. So, ये जो है पूरा हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन. क्लियर? सो दिस इज फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस एन अपॉन एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू एम रेज टू 1 अपॉन एन. ओके. सो दिस वन फॉर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, दिस वन फॉर नेगेटिव रैशनल. And this is in general. Okay. So here you are clear with this concepts, I hope. Okay. So here we have discussed first exponents means laws of exponents. Then positive rational numbers के लिए क्या होता है? Negative rational numbers के लिए अगर rational number यहाँ पे हमारा index जो है मतलब कि power जो है वो positive है या तो negative है तब क्या करते हैं? And then this radical. What is the meaning of radical? What is the meaning of radicand? That is radical sign. What is index? ये सब कुछ हमने क्लियर किया. Now let's move to our exercises.